बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स टिप्स। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस लेक्चर नंबर 10, एक्सरसाइज 1.6, रिमेनिंग क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में जो एक्सरसाइज पढ़ी 1.6 के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हमने डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल ये है कि ऐसी बंद शक्ल जिसके आमने सामने के अज़ला बराबर हों, रेक्टेंगल या मुस्ततील कहलाती हैं, और उसका हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसी बंद शक्ल जिसके आमने सामने के अज़ला बराबर हों और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, मुस्ततील कहलाती है, रेक्टेंगल कहलाती है। तो हमने सपोज़ किया, सपोज़ दैट लेंथ इज इक्वल टू एल है, एल इज इक्वल टू एक्स है, लंबाई हमारी कितनी है, एक्स है। इस तरह विड्थ डब्ल्यू से हमने ज़ाहिर किया, ये वाई है, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास, वाई। स्टेटमेंट जो है ये समझनी है। स्टेटमेंट की अगर समझ आ गई आपको, स्टेटमेंट की जब समझ आ जाएगी तो स्टेटमेंट के अंदर जो हमने इक्वेशंस बनानी है वो असल मेन काम है। बाकी जब इक्वेशंस बन जाएगी तो फिर पिछला तरीका जो हमने क्रेमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड जो हमने लिया है वही इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम जो है, अक्सर बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। डरना नहीं, घबराना नहीं बच्चों, ये बहुत आसान चीज़ है। इसके अंदर आपने चले जाना है, डीपली इसको चेक करना है। जब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे वहाँ से देखेंगे उसमें डायग्राम कौन सी बन रही है वो आपने देखनी है। उसके बाद आपने डायग्राम जब बना ली तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाना है। यहाँ पर रेक्टेंगल है, फिर हमने कंडीशन 1 को देखना है। कंडीशन 1 क्या है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो इसकी विड्थ क्या है? 4 है, वाई है सॉरी, और लेंथ क्या है? एक्स है। जब विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि चौड़ाई जो है इसकी कम है, लंबाई ज़्यादा है। चौड़ाई 4 गुना है और लंबाई जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो लंबाई बनेगी उसकी। ये कंडीशन 1 है। तो ये प्लस इधर आगे माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। कंडीशन 1 से हमें एक क्वेश्चन मिल गई। इसी तरह आगे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर कहते हैं हाथे को, चार दीवारी को, चारों साइडों को। सम ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। चारों साइडों को जब हम प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इसका पेरीमीटर बन जाएगा। जैसे ये है x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, चारों को हमने ये अहाता, इसको कहते हैं चार दीवारी कहते हैं। पेरीमीटर हमें गिवन दिए गए 150 है। पेरीमीटर इज 150, तो पेरीमीटर है चारों साइड्स को हम प्लस करेंगे ये आ जाएगा। 2x है, 2y है, हमने ऐड कर लिया, 2 कॉमन लिया, 2 इधर का डिवाइड होगा, 75x प्लस वाई इक्वल टू 75 इज सेकंड इक्वेशन। इस तरह हमने एक सिस्टम फाइंड किया है इस स्टेटमेंट से। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, इसकी जो लेंथ लंबाई जो चौड़ाई हमने फाइंड करनी है, x और y फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये स्टेटमेंट को पढ़ें, इसको हल करें, और जो दो मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल्स, फिर दोनों से इसको सॉल्व करें, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 9 में किया है। तो ये जो सिस्टम हमें दिया गया उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसको सपोज किया, ए है, ये एक्स है, ये बी है, एक्स इज इक्वल टू इनवर्स बी से इक्वेशन 1। तो फर्स्ट वी फाइंड इनवर्स, इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए मॉड एडजॉइंट ए से इक्वेशन 2। ए मॉड फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये, इसका मॉड हमने फाइंड किया 1 माइनस फार्मूले का है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले का ये माइनस है, ये प्लस 5 हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए, एड जॉइंट क्या होगा?
इनकी जगह चेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। पीछे हम ले चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, तो एडजॉइंट क्या होगा, 1 4 -1 1, ये इसका एडजॉइंट आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 1 4 -1 1, ये हमारे पास इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स क्या हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज एक्स वाई 1/5 1 4 -1 1, और बी क्या है, बी हमारे पास है 0.75। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 ऐसे ही आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0+300 और 0+75। implies that 1/5 is equal to 300 or 75, x y is equal to, ये 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एवरी एलिमेंट से, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 300, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7500। हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स बना है वो 60 and 15 का बना है, तो ऊपर वाली वैल्यू एक्स की होगी, सो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 60 एंड वाई इज इक्वल टू 50। तो ऊपर वाली वैल्यू एक्स की है और नीचे वाली वाई की है। एक्स क्या है हमारे पास, लेंथ है, तो वाई क्या है हमारे पास, विड्थ है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अगर चौड़ाई को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो लंबाई के बराबर आएगी। देखें ये 60 है, अगर हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो यही कंडीशन थी हमारी, यहाँ पे आ जाए अब ये वाली, विड्थ इज 4 टाइम देन इक्वल टू एक्स, कि लंबाई को 4 से, चौड़ाई को 4 से ज़रा देंगे तो लंबाई के बराबर आएगा। अब देखें इसकी वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं, वेरिफिकेशन इसकी क्या है, वेरिफिकेशन में हम देखते हैं कि लेंथ इसकी क्या है, एक्स इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, वाई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो वेरिफिकेशन में हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, फर्स्ट को यूज़ करते हैं, एक्स एक्स इज इक्वल टू 4y, एक्स कितना है हमारे पास 60 है और ये कितना है 15 है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे सिक्सटी इज इक्वल टू 60 वेरीफाइड, ये वेरीफाइड कर दिया है इसने कि जो हमारे आंसर है एक्स और वाई हैं वो बिल्कुल सेम है, इक्वल आ रहे हैं दोनों। इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल होगा, यही कंडीशन थी हमारी, जो कंडीशन हमने यहाँ पे पुट की थी उसको हमने वेरीफाइड कर दिया है कि हमारी कंडीशन जो है जैसे हमने क्वेश्चंस बनाई बिल्कुल ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो पहला मेथड था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यही इक्वेशंस लेंगे,
इनको लेकर हम क्रेमर रूल्स इसके ऊपर अप्लाई करके इनका आंसर भी ऐसा ही बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं क्रेमर रूल। अब सेकंड इसका मेथड क्या है, क्रेमर रूल। अब इन्हीं दो इक्वेशन को क्रेमर रूल से चेक करेंगे। दो जो हमारे पास इक्वेशन है ये ऐसे रहेगा, गिवन सिस्टम 1, 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म दिया गया जो सिस्टम है इसको हम कालबो की शक्ल में लिखेंगे। ये फार्मूला बेशक लिखा रहने दे, कोई मसला नहीं है, ये भी लिखा रहने दे इनवर्स का फार्मूला, उसके बाद डिटर्मिनेंट और जॉइंट यहाँ तक सेम है। अब इसके नीचे थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे क्रेमर रूल के लिए। फॉर क्रेमर रूल के लिए हम इसको हल करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड इम्प्लाइज दैट ए एक्स क्या है कि फर्स्ट कॉलम को आपने यहाँ पे छोड़ देना, उसकी जगह सेकंड कॉलम लगाना है, 0, 75 और -4 1 का मॉड ओवर 5, ए का मॉड 5 हम फाइंड कर चुके। जब हमने x फाइंड करना है क्रेमर के रूल में, तो फर्स्ट कॉलम छोड़ के स्किप करके आपने ये b जो मैट्रिक्स का कॉलम है वो पुट करना है, -4 और 1 वैसे ही रखना है। इसका डिटर्मिनेंट ए एक्स का मतलब ये है, और ओवर ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया होगा, ए का मकता हमने 5 फाइंड किया हो, यहाँ लिख दिया हमने। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस माइनस 300 ओवर 5, 0 प्लस 300 ओवर 5, 300 ओवर 5 इसको इससे मल्टीप्लाई किया 300 आया, ये हमारे पास कितना आ गया 60। तो एक्स इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अगेन वाई इज इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए मॉड, ए वाई का मतलब क्या है, इम्प्लाइज दैट के हम सेकंड कॉलम जो है वो छोड़ देंगे, ए वाला छोड़ दें, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 1, 1 वैसे ही रहेगा, और सेकंड कॉलम की जगह ये बी मैट्रिक्स का कॉलम 0, 75 जो है ये पुट कर लें, इसका मॉड ओवर ए मॉड इम्प्लाइज दैट ये 75 माइनस 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए मॉड 5 है, 75 ओवर 5 15, वाई कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह वाई की वैल्यू हमने 15 सेंटीमीटर निकाल ली। यहाँ पे गौर करें कि जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो लिया था उसमें जो एक्स की वैल्यू वो 60 थी और वाई कितनी थी 15 सेंटीमीटर थी। तो जब हमने क्रेमर का रूल इस्तेमाल किया उसमें भी यही वैल्यू आई। उसमें हमने वेरीफाइड किया था कि जो हमने सपोज किया है कि x इज इक्वल टू 4y है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसी तरह यहाँ पे क्रेमर रूल में भी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ वहाँ पुट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन करके हमने चेक करना है कि जो हमने वैल्यू फाइंड किया है वो करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4y, x कितना है हमारे पास 60 है और y कितना है 15 है, तो 60 इज इक्वल टू 60, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो
हमने जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की है उससे वेरी उसको हमने चेक किया है वन में पुट करके, तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज है बिल्कुल करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व किया। जिस तरह मैंने ये सॉल्व किया है इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 पढ़ने हैं, रीड करने हैं। उसमें जो डाटा आता है पहले उससे इक्वेशंस बनानी है, बनाने के बाद आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाना है, फिर क्रेमर रूल्स लगाना है, वो चेक करना है अपने आप को कि हमें इसकी समझ आई कि नहीं आई। अगर फिर भी कमी हो तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th जो है उसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर 1 जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उसके मैंने 10 लेक्चर बनाए हैं, तरतीब वाइज बनाए हैं, एक्सरसाइज वाइज बनाए हैं। तो तरतीब वाइज बनाने का मकसद यही था कि आपको एक्सरसाइज या क्वेश्चन ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो ये आपने इस क्वेश्चन को डीपली समझना है और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।